अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो प्रोडक्ट हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं ये है क्यू मोबाइल की जानिब से होट 5 के नाम से डिवाइस है ये, और इसकी स्पेक्स जो हैं वो इसी वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है जिससे आप डाइवर्ट होकर यहाँ पर आए हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का सबसे कम पैसों में, सबसे कम प्राइस में मिलने वाला ये मोबाइल फ़ोन है, जिसमें आपको 3 GB की रैम देखने को मिलती है और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हैं 10,718 रुपये में जो है मुझे होम डिलीवरी समेत पड़ा है, 10,500 रुपये में आपको ये दराज पर देखने को मिल जाता है। ऑफलाइन मार्केट में क्यू मोबाइल पहले जो है वो मिल जाता था, मगर आजकल क्योंकि क्यू मोबाइल पर जो है वो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है कस्टमर का, और जो पिछले हालात क्यू मोबाइल के रिगार्डिंग रहे हैं, तो इसलिए अब जो है वो ऑनलाइन ज़्यादातर जो है वो क्यू मोबाइल की प्रोडक्ट्स सेल होती हैं, बिकती हैं। दराज की जानिब से सेलर को मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसके ऊपर बबल रैप लगा हुआ है प्रॉपर, और इनको मैंने जो है वो चैट में ऑर्डर करते ही कह दिया था कि मुझे वारंटी वाला मोबाइल फ़ोन देना। कभी कभी ऐसा होता है कि इनके पास पुराना स्टॉक पड़ा होता है तो वारंटी वाला जो है उसमें मसला आ जाता है, वारंटी उसमें पूरी नहीं होती, तो इसलिए मैंने कहा था कि वारंटी कुछ ऐसी देना जो मतलब अगले महीने से स्टार्ट होती हो। तो ये कार्ड में अब हम देख लेंगे, ये इसका बॉक्स है और ऊपर इस पर जो है वो पैकेजिंग सही तरीके से हुई हुई है, सील्ड बॉक्स है, या आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर भी साथ है इसके। तो जी ये दिसंबर 2021 से जो है वो शुरू हो रही है और अभी जो है वो नवंबर का महीना है, तो मतलब अगले महीने से शुरू होनी है इसने वारंटी, ने डिजिकॉम की जानिब से एक वारंटी आप क्लेम कर सकेंगे क्यू मोबाइल की। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर मैं थम्स अप दूंगा सेलर को, क्योंकि मैंने उनको पहले ही बताया था कि मुझे वारंटी वाला मोबाइल फ़ोन ही चाहिए, कोई पुराना स्टॉक जो है आप ना भेजिएगा। इसके अलावा अगर देख लें तो 13x13 मेगापिक्सल, मतलब बैक पर एक 13 मेगापिक्सल कैमरा है और फ्रंट पर भी आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। 6.26 इंच की जो है वो HD डिस्प्ले आपको 2.5D नॉच डिस्प्ले मिल जाता है। 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, प्रोसेसर किस कंपनी का है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसके अलावा 3000 mAh की बैटरी है, जो कि थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, मगर इसमें एंड्रॉयड 9 है और एंड्रॉयड मतलब जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है स्टॉक एंड्रॉयड, उसका एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसमें जो है वो कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। 128 GB की इसकी जो मेमोरी कार्ड की सपोर्ट है वो है, 32 GB की इसकी अपनी मेमोरी है और 3 GB की रैम है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि इस सेगमेंट में फिंगरप्रिंट सेंसर के समेत जो है वो आपको इतने अच्छे डिस्प्ले के साथ और बाकी चीज़ों के साथ जो है वो रैम रोम और एंड्रॉयड 9 की डिवाइस हो, और इसके अलावा जो है कैमराज जो है वो फ्रंट कैमरा आपका 13 MP का और बैक पर जो है वो दो आपके कैमराज लगे हैं 13 MP और एक VGA कैमरा, तो कुछ इस तरीके की लुक है और सबसे कम जो है वो प्राइस में है, PTA अप्रूव डिवाइस है ये 10,500 रुपये में। बाकी इन्फिनिक्स वगैरह की अगर आप लेते हैं, आईटेल वगैरह की लेते हैं, तो वो तकरीबन 13,000 से 14,000 रुपए में आपको 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलती है। हम इसको अनरैप कर लेते हैं जल्दी से, और ये इसका जी वारंटी कार्ड है, वारंटी कार्ड को रखते हैं साइड पर और यहां पर जो है इसकी सील को ब्रेक करते हैं, सील जो है बॉक्स हमें देखने को मिला है, तो सेलर के लिए थम्स अप यहां पर, और इसको जो है जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं। ये वॉइस ओवर जो है मैं बाद में दे रहा हूं, तो अगर इससे मैच ना कर रहा हो तो उसके लिए पहले से ही माजरत, क्योंकि वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए वॉइस ओवर कहीं खो गया था, तो बॉक्स पहले काफ़ी आराम से यहाँ पर जो है वो अनपैक हो रहा था, मगर जैसे ही मैंने बोला कि ये आराम से अनपैक हो रहा है तो उसके बाद जो है इसने थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर दिखाई। सामने हमें जो है वो डिवाइस देखने को मिल जाती है, 6.25 इंच की डिवाइस, काफ़ी अच्छी है और इसका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो वेट जब आप इसको पकड़ते हैं, क्योंकि प्लास्टिक की डिवाइस है तो आपका वेट, इस डिवाइस का वेट जो है वो इसमें आपको काफ़ी कम महसूस होता है। ये जो है वो आपका चार्जिंग अडाप्टर है, USB 2.0 मतलब माइक्रो USB का जो है वो सपोर्ट है इसमें, और इसकी अगर मैं आपको रेटिंग दिखाऊं स्क्रीन पर, अगर कैमरा फोकस कर पाए, तो ये है जनाब 1000 mAh का है और 5W की जो है वो इसकी आउटपुट है, 0.2 A का जो है वो यहाँ पर चार्जर है ये, जो कि एक जो है वो लो क्वालिटी का चार्जर होता है, क्योंकि इस डिवाइस के लिए 3000 mAh की बैटरी है, और ये साथ जो है इसका आपको जो है वो डाटा केबल मिलगी, और साथ ये जो है इसकी हैंड्स फ्री है, तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जितने भी ब्रांड्स की जानिब से मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं 12 से 15 हज़ार की रेंज में भी जो आते हैं, ये 10 हज़ार की रेंज वाला मोबाइल है, तो उनमें जो है हैंड्स फ्री आपको देखने को नहीं मिलते, मगर ये क्यों मोबाइल की जानिब से पुराने स्टॉक वाले हैंड्स फ्री आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि मार्केट से आपको 150-200 रुपये के मिल जाते हैं, मगर क्योंकि ब्रांडिंग के साथ और बॉक्स के अंदर है तो इसके लिए भी थम्स अप यहाँ पर। और इसके अलावा अगर बॉक्स में हम चेक करें तो हमें जो है वो यूज़र मैनुअल क्यों मोबाइल की जानिब से देखने को मिलता है, और एक
मशीन में इजेक्टर टूल मिलता है और एक प्रोटेक्टर मिलता है जो कि प्लास्टिक प्रोटेक्टर तो नहीं है, मतलब जो आम प्रोटेक्टर हम लगाते हैं ग्लास प्रोटेक्टर, एक प्लास्टिक प्रोटेक्टर है मगर इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मोटा प्लास्टिक है। तो आपके ये एक दो हफ्ते चल जाएगा जब तक आप जो है वो मार्केट से थर्ड पार्टी प्रोटेक्टर इस पर नहीं लगा लेते। इसके बाद डिवाइस की जानब बढ़ते हैं, बॉक्स को और सिम इजेक्टर टूल पिन को जो है वो साइड पर रख देते हैं। तो कुछ इस तरीके का जो है हमें डिवाइस देखने को ये मिलती है, काफ़ी अच्छी इसकी पैकेजिंग की गई थी थ्रू आउट, और ऊपर जो है इस पर डिस्प्ले किया गया है कि होट 5 है, डिवाइस का नाम, 13 मेगापिक्सल का जो है फ्रंट कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का ही बैक कैमरा है, और इसके अलावा जो है वो 6.26 इंच का जो है वो HD प्लस आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, 1080p का जो है आपको इसमें जो है वो रेजोल्यूशन देखने को मिलता है अगर आप यूट्यूब की वीडियोज़ को प्ले करते हैं। तो ये मैंने जो है बाद में चेक किया हुआ है तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। पीछे फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है और ऊपर जो है इसके ऊपर के मोबाइल की IMEI नंबर वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और ऊपर जो है पीछे आप देख सकते हैं कि दो कैमराज है, बीच में इसकी फ्लैश लाइट है, एक अच्छा व्यू दिया गया है, और ऊपर इसके एक शीट यहाँ पर प्लास्टिक की चढ़ाई गई है ताकि जो है वो स्क्रैचेस वगैरह से बच सके, मगर आपने अगर फिंगरप्रिंट को यूज़ करना है तो इसको आपको जो है वो उतारना ही पड़ेगा। तो दोस्तों जल्दी से इसको बूट कर लेते हैं कि उस स्मार्ट का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। जब तक ये बूट होता है तो मैं आपको जल्दी से एक बार से फिर से बता देता हूँ कि 13 मेगापिक्सल का इसका कैमरा आपको फ्रंट और रेयर पर देखने को मिल जाता है, एक VGA कैमरा भी आपको बैक में देखने को मिल जाता है, और इसकी कैमरा की पिक्स जो है वो आपको, मतलब जो पिक्स ली गई हैं इससे ब्लर मोड वगैरह में, बुके मोड में, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा, और साथ साथ आप देख सकते हैं कि डिवाइस को मैं सेटअप कर रहा हूँ। रैम इसमें आपको 3 GB की मिलती है और रोम जो स्टोरेज है आपकी वो 32 GB की मिलती है, 128 GB तक ये जो है वो SD कार्ड को सपोर्ट करता है, एंड्रॉयड 9 आपको देखने को मिलता है और स्टॉक एंड्रॉयड का जो है एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर की सपोर्ट देखने को मिलती है और 3000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये आप अपनी स्क्रीन पर अब देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है वो इसमें आपको एंड्रॉयड 1 का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, स्मूथ एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ आपने अप साइड को इसको जो है वो टैप करने और आपका जो मेन्यू है वो खुल जाएगा, कोई इसमें आपको जो कहते हैं कि थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह होती हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगी। 2-3 ऐप्स हैं जो कि कंपनी से जो है वो एस्फाल्टेड वगैरह की गेम्स प्री डाउनलोडेड आई हैं, इसके अलावा कोई गंद वगैरह नहीं है, जंक जो है वो इसमें नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों ये थी इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।